बहुत हेयर फॉल होते हैं, स्किन बहुत जल्दी एजिंग दिखते हैं, तो आपकी हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो सकती है। उड़ीसा के लोग ये जानते नहीं होंगे, उड़ीसा में बोलते हैं क्या ये ना, मेरे एक प्लांट लाइट अगरबत्ती में इतना बड़ा स्टिक होता है ना, लास्ट को आप फेंक देते हो, इसे फोल्ड हो जाता है। क्या लेट्स गो, आप चलाओगे? पापा कहाँ बैठेंगे? आ जाओ मम्मा पास, चलो। तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जा रहे हैं, अभी सुबह सुबह निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ा बाहर, और सारे ग्रोसरी खत्म हो गए हैं घर में, और ग्रोसरी थोड़ा लाएंगे क्योंकि हम जब से आए हैं ग्रोसरी नहीं लाए हैं कुछ भी घर के लिए, सिर्फ राइस खत्म हो गया था वो लाए थे, ऑयल खत्म हो गया था वो लाए थे, और सब था, अभी कुछ भी नहीं है। अभी जाएंगे ग्रोसरी लाएंगे, जा रहे हैं डी मार्ट, अहमदाबाद में भी डी मार्ट था, सब सिटी में डी मार्ट रहता है, लेकिन हमारे उड़ीसा में डी मार्ट नहीं है। डी मार्ट का एक ब्रांच उड़ीसा में हो जाएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा, डी मार्ट में अच्छा लगता है शॉपिंग, जब हम ग्रॉसरी लाते हैं कुछ शॉपिंग करते हैं उधर, सब सब कुछ मिलता है। चलिए उधर मिलते हैं डी मार्ट में डायरेक्ट। आपको हमारे घर से कितने हैं? 3 किलोमीटर है ना? हाँ, हमारे घर से 3 किलोमीटर है डी मार्ट। हाउ मेनी माउंटेन काउंट कर दो। पांडव लेनी है, थोड़ा रुकना पड़ेगा आप सबको क्योंकि आगे पेड़ है, दिखाई नहीं दे रहा है ना, लिखा है ना पांडव लेनी, पांडव लेनी क्या क्या है उसके अंदर, बुद्ध विहार क्या बाट क्या लिखा है, मराठी में पढ़ नहीं पा रही हूँ। इस दिन एक दिन आएंगे इधर ऊपर जाएंगे, पांडव लेनी है। बटरफ्लाई गार्डन, माउंटेन का है बाबू, यहाँ पे क्या बहुत सारे जगह है, हम लोग ऐसे एक दिन में घूम नहीं पाएंगे जो घर के पास है। और देखिए देखते देखते हमारे ये डी मार्ट बहुत बड़ा है, और ये चेकिंग करने के लिए आ गए, हम अभी जाएंगे गाड़ी पार्किंग करेंगे, और यहाँ पे सब लेडीज भी काम करते हैं। ये निकलते हैं अभी, इसो हाथों काट, इसो रुक जा, चलो मामा के हाथ पकड़ो, होल्ड माय फिंगर, यस। और यहाँ पे रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं था तो मैंने नहीं किया था रिकॉर्ड। क्या लाई हूँ मैं घर में दिखाऊंगी, इधर ना आपको वीडियो करना अलाउड नहीं है, ठीक है, तो मैं नहीं कर पाई, और घर में जाके आपको दिखाऊंगी क्या क्या लाई हूँ ग्रॉसरी, फर्स्ट टाइम नासिक में, ठीक है, तो चलिए घर में चलते हैं, फिर घर में आपको दिखाऊंगी। वाओ कितना सुंदर है भाई ना, हाँ कितना मस्त व्यू आप लोग देख रहे हो ना, बड़ी बड़ी जगह थोड़ा है, हाँ कितना सुंदर व्यू, रुको रुको रुको, मस्त लग रहा है, आप लोग देख रहे हो ना कितना सुंदर व्यू है, ब्लू स्काई और माउंटेन ब्राउन, ओ वाओ मस्त लग रहा है सच में। यहाँ पे मतलब माउंटेन व्यू बढ़ा देता है सच में, जहाँ देखो माउंटेन, मस्त लग रहा है। और ये कर लियो बाबू, ये चुप बेबी, यीशु को सब चाहिए, मतलब वहाँ पे एक्सकैवेटर चाहिए, कार चाहिए, बस
चाहिए, सब चाहिए उसको, लेकिन लास्ट को सब रख के आ गया। गुड बॉय। हाय बाय बाय माउंटेन। तो दूर से दिख रहा होगा ये हमारा सब सोसाइटी है, दिख रहा है? ये सोसाइटी हम यहीं पे रहते हैं, वो वाले में ब्राउन कलर कलर दिख रहा है। हमारा जो घर है ना वो एक्सप्रेस इन होटल, आपको दिख रहा है एक्सप्रेस इन लिखा है उधर, तो वो होटल के जस्ट गली में ही एक रोड है, तो वहाँ पे हम रहते हैं। ये कार मॉल क्या है? अच्छा, यूज्ड कार, अच्छा यूज्ड वाला लग्जरी कार ये लोग बेचते हैं नहीं? अच्छा, कार मॉल एक है यहाँ पे घर के जस्ट हमारे साइड में, वहाँ पे सब यूज कार, जिसको लग्जरी कार चाहिए, अच्छे अच्छे कार चाहिए, और यहाँ पे सेकंड हैंड मिल जाएगी आपको। और देखिए यहाँ पे हो गया हमारा एक्सप्रेस इन होटल, और उसकी गली में हम जा रहे हैं अभी। मतलब लोकेशन बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स भी है। ठीक है, हमें अभी क्या करेंगे ना, सब सामान जो पीछे है। यशु रुको, हाँ बाबा, मैं क्या ना उसको बाइट नहीं करना है, बाइट नहीं करना है ना, अपने रंग करते हो ना, आप खुद रंग करते हो तो आपको सॉरी बोलना है ना बाबू, ऐसे नहीं करना है, सॉरी बोल दो, सॉरी सॉरी बोल दो। अभी सामान लेके जाएंगे ऊपर, फिर मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या लाएंगे। ये फोल्ड हो जाता है और खुल भी जाता है, और बहुत स्पेस भी है इधर सुखाने के लिए कपड़े, क्योंकि मेरे तो उधर बहुत मतलब कपड़े सुखाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। डीमार से ये लाई हूँ मैं, बहुत अच्छा भी है, स्ट्रॉन्ग भी है। चलिए इसको रखते हैं बालकोनी में। रुको यशु, और ये ऐसे फोल्ड हो जाता है, यहाँ से आप खोल सकते हो, फिर यहाँ से आप खोल सकते हो। यशु रुको बाबू, वेट वेट, लग जाएगा बाबा। ऐसे अपने आप ये बंद हो जाता है, फिर यहाँ से ऐसे आप बेंड करोगे पूरा फोल्ड हो जाता है। कलर का लेके आई हूँ, ग्रे कलर अच्छा लगा मुझे। इसको अभी बाहर रखेंगे। ऐसे यहाँ पे मैंने रखा है। और एक देखिए, ये ना मैं एक प्लांट लाई थी घर में, ये ना इंडोर प्लांट ऐसे बोल के दुकान जो था दुकानदार उसने बोला था कि इंडोर प्लांट है, लेकिन ये ना इंडोर में एक दिन रखा तो सुबह ये मुरझा गया, और इसको बाहर रख रही हूँ, और डेली इसको पानी चाहिए। और कितना अच्छा फ्लावर है इसमें देखिए, और मेरे एक वो अपराजिता है ना वो भी है, ये एक उसको क्या बोलते हैं पारिजात फूल, ये वाला, ये तो अभी नहीं होगा ये फूल, ये अक्टूबर में होता है, हमारे उड़ीसा में बोलते हैं क्या गंगा सिवड़ी, तो वो पे है प्लांट। इतना तीनों ही प्लांट है मेरे पास, और यहाँ पे मैं ये रखूँगी कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। हमारे धूप तो नहीं आते, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है सूखने के लिए। और ये रोप में ना मैं ड्राई कर रही थी कपड़े, और देखिए कितना ख़राब हो गया है और टूट भी जाता है। और ये है फर्स्ट, आपको दिखा रही हूँ क्या लाई हूँ। हम जो कोलम राइस खाते हैं, ये राइस है 5 kg का है, मैं इस बास्केट में रखती हूँ। पहले से सब्सक्राइबर जो है वो तो उनको पता होगा, मैं ये बास्केट में रखती हूँ सारे ग्रॉसरी। और रेंट घर में ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, कवर्ड वगैरह वार्डरोब नहीं मिलेगा रखने के लिए, तो मैं यही में प्रीफर करती हूँ रखने के लिए, तो मैं यहीं पर रख दूँगी अभी एक एक करके। हाँ, मैंने डाला ये मटर, इसको क्या वाइट पीस बोलते हैं, एक लाई हूँ मैं बाथरूम फ्लोर क्लीन करने के लिए, दिया है। तो ये क्या है, स्टिक, ठीक है,
अगरबत्ती में क्या होता है, वो बाम्बू का स्टिक रहता है, वो ऐसे माना जाता है घर के लिए अच्छा नहीं है पूजा के लिए। तो मुझे वो चीज़ थोड़ा अच्छा लगा कि नहीं, जो मानते हैं बाम्बू नहीं जलाते हैं, तो जलाते नहीं है, तो हमको ये मिल रहा है तो हम ले आए। इसमें क्या है, आपको वो स्टिक नहीं है, तो अगरबत्ती होता है, अगरबत्ती में इतना बड़ा स्टिक होता है ना, लास्ट को आप फेंक देते हो, इसमें ये नहीं है, ये सिर्फ सिंगल है। और इसको क्या बोलते हैं, धूप, धूप बोलते हैं। और ये मैं कर्पूर लाई हूँ भगवान के लिए, डेली मैं कर्पूर करती हूँ पूजा में। और ओट्स, ये मैं ओट्स लाई हूँ। ओट्स क्यों, ये ओट्स बहुत अच्छा भी रहता है हेल्थ के लिए। हाँ, यशु दिखा रहा है उसका मोना को बिस्किट, उसका फेवरेट है वो। प्लेट लाओ उधर से, प्लेट प्लेट प्लेट, चलो। सो थैंक यू। मोजरेला चीज़ है, ये मैं दो पैकेट लाई हूँ। कभी कभी सैंडविच में, या यशु को भी बहुत अच्छा लगता है सैंडविच में खा लेता है, और पिज़्ज़ा भी कभी कभार बनाते हैं, तो पिज़्ज़ा तो अभी मूड नहीं है, लेकिन ले आई हूँ। पिज़्ज़ा अच्छा रहता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहता है। यशु के लिए पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न करता रहता है, तो उसके लिए मैं लाई हूँ ड्राई वाला, घर में बना लूँगी। ये बूंदी, दही बूंदी बनाते हैं ना वो, उसका है, मैं इसलिए लाई हूँ। और ये ऑयल, सफोला गोल्ड, तीन पैकेट लाई हूँ मैं, एक तो है मेरे पास। डेट्स यशु के लिए, ये डेट थोड़ा सॉफ्ट रहता है, चंक, इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, तो इसको तो कंज्यूम करना चाहिए। जो नॉनवेज नहीं खाते हैं ना, तो सोया चंक आप खाओ, आपका प्रोटीन भरपूर आप डेली मात्रा में ले सकते हो इससे से। और ये यशु के लिए टॉफी, ये चिली वाला विनेगर, ये मेरा हैंड वॉश, मेरा फेवरेट है ये वाला। लिट का ब्लेड लाए हैं हस्बैंड, लाई हूँ, पहले से लाई थी, अभी मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। ये है गोंद, गोंद का लड्डू, आप सुने होंगे, खाए तो नहीं होंगे, कोई कोई खाए होंगे, लेकिन उड़ीसा के लोग ये जानते नहीं होंगे। तो ये गोंद, ये एक टाइप ऑफ ग्लू टाइप है, ये एक पेड़ से निकलता है शायद, पेड़ से निकलते हैं। तो ये क्या होता है ना, इसमें ना आप लड्डू बना सकते हो, इसको तल के मैं बनाऊंगी ना, इसकी रेसिपी आपको जरूर दिखाऊंगी। आप ऑनलाइन ले सकते हो, अमेजन में भी मिलता है, फ्लिपकार्ट में मिलता है, और आजकल तो बिग बाज़ार और रिलायंस स्मार्ट में सब कुछ मिलता है। ये मेरा फेवरेट सोप है, सैंडल, मैसूर सैंडल। सेजवान चटनी, इसको तो चाहिए हमारे, कोई भी चीज़, डोसा हो कुछ भी हो, ये तो चाहिए। आधा मैं रखती हूँ, थोड़ा बहुत वो लड्डू बनाऊँगी उसके लिए रखूँगी, और पूजा के लिए रेस्ट रख लूँगी। और ये टोस्ट चाय के साथ, और ऐसे यशु ऐसे भी एंजॉय करता है स्नैक्स टाइम में। और ये नारियल्स लाई हूँ, दो कोकोनट, मसूर दाल का दो पैकेट लाई हूँ, ये पीनट, मूंग दाल का दो पैकेट लाई हूँ, ये उड़द दाल, और ये मसूर दाल का विथ उसका जो कवर होता है ना पूरा, वो वाला है। और ये ब्लैक पेपर, पोहा, और ये चना लाई हूँ दो पैकेट, और ये गुड़ लाई हूँ मैं लड्डू में, ये यूज़ करने वाली हूँ शायद, देखूँगी कैसे बनता है, पहले देखूँगी फिर यूज़ करूँगी, क्योंकि गुड़ बहुत अच्छा रहता है शुगर के हिसाब से, ये हेल्थ के लिए अच्छा है, इसलिए मैं लाई हूँ। काश्मीरी लाल चिल्ली पाउडर, ये वर्मीसेली, यशु के लिए ब्रेकफास्ट, हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट, ये सब हम ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं, बहुत अच्छा रहता है। कसूरी मेथी, कोकोनट पाउडर बोलते हैं इसको, तो ये मैं लड्डू में डालूँगी, गोंद के लड्डू में, इसीलिए लेके आई हूँ। तो चीनी है ये, शुगर, और दो गार्बेज के लिए थैली लेके आई हूँ, चाय में नहीं मिलता है। और ये है रावा, और ये है डोसे के लिए, डोसे जो बनाऊँगी ना, ये चावल का छोटा छोटा टुकड़ा मिलता है, छोटे छोटे पीसेस, मतलब इसको आप राइस नहीं बना सकते, खिचड़ी बना सकते हो। और ये मैं डोसे के लिए यूज़ करती हूँ। वाटरमेलन सीड्स, चारू मगज़ बोलते हैं इसको, उड़ीसा में चारू मगज़ बोलते हैं, और ऐसे उसका नाम है वाटरमेलन सीड्स, ये रोस्टेड है, मैं मसाले में भी इसको डाल सकती हूँ और ऐसे भी खा सकते हैं। आई हूँ सनफ्लावर सीड,
ये क्या होता है जब मेरे हेयर्स क्या बहुत इशू होने के बाद बहुत हेयर फॉल होते हैं, तो ऐसे तो थोड़ा बहुत कंट्रोल मैंने कर लिया है मेडिसिन से और थोड़ा बहुत ऑयलिंग करके बालों को रेगुलरली। तो अभी क्या डैंड्रफ भी बहुत हो रहे हैं, तो अभी ये ना मैं लाई हूँ पम्पकिन सीड्स, ये सनफ्लावर सीड, इसको ना आप डेली कंज्यूम करोगे ना, एक स्पून आप डेली कंज्यूम करोगे तो आपकी हेयर फॉल बहुत हद तक कम हो सकती है। और आपकी डाइट में सीड्स ज़रूरी होना चाहिए, इससे आपकी स्किन और आपकी हेयर्स बहुत अच्छे रहते हैं। बच्चे जब थे ना, छोटे छोटे थे ना, हम गांव में रहते थे ना, तो तब क्या होता है घर में पम्पकिन बहुत बड़े बड़े कट करते हैं करते थे मम्मी लोग सब करते थे दादी, तो ये सब क्या छोटे छोटे निकाल के उसका जो सीड्स होते हैं ना हम लोग धो के उसको थोड़ा ड्राई करके फिर उसको रोस्ट करके उसको अच्छे से नमक डाल के रोस्ट करते थे, और रोस्ट करने के बाद उसको बहुत अच्छा लगता था खाने में। उस टाइप जो था ना वो टाइम में बहुत हेल्दी हेयर थे, क्योंकि हम लोग सब नेचुरल चीज़ खा रहे थे। तो अभी बहुत आर्टिफिशियल बहुत केमिकल्स सारे फूड में डाला जाता है, तो इसीलिए बहुत हेयर फॉल होते हैं, स्किन बहुत जल्दी एजिंग दिखते हैं। तो ये सब चीज़ आप डेली कंज्यूम करोगे देन आपके घर में भी, आपको मैं नहीं बोल रही हूँ खरीद के खाओ, जो भी आता है घर में पम्पकिन आता है उसका जो सीड्स होते हैं उसको आप निकाल के थोड़ा सुखा के उसको थोड़ा नमक दे के ड्राई करके खा सकते हो, वो भी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, स्किन के लिए अच्छा रहता है, हेल्थ के मतलब सबके लिए वो अच्छा रहेगा। वो नेचुरल वे में भी आप खा सकते हो खरीद के, मैं बाहर रहती हूँ मुझे ये सब चीज़ नहीं मिलती है इसलिए मैं ला रही हूँ। ये ना मुझे बहुत चाहिए था क्योंकि मेरे पास ना पिलर नहीं था, मतलब टूट गया था मेरा जो था है वो टूट गया है, इससे ना बहुत सारे आपका निकल जाएगा, मतलब बहुत टाइप का। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ना ये वाला मुझे चाहिए था, मतलब सब ये तीनों टाइप आपको ये करके दे देगा एक एक पिलर में, तो इसीलिए मैं लाई हूँ, मैं ट्राई करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। नासिक में ना बहुत मिट्टी, थोड़ा ना काला काला मिट्टी है तो पैर भी बहुत गंदे हो जाते हैं, और यहाँ पे ठंड भी बहुत है, तो हस्बैंड का मतलब इनका हैबिट नहीं है घर में स्लीपर पहनने के लिए, लेकिन मैंने फोर्स किया है कि नहीं लेके चलो क्योंकि पैर बहुत गंदा हो जाता है, और बालकनी में एक बार चले जाओ फिर आओ तो फिर पूरा पैर पूरा मतलब काला पड़ जाता है, इतना मिट्टी है, कितना झाड़ू पोछा करने के बाद भी हो जाता है। तो ये लेके आए हैं, और एक बॉडी लोशन, और बहुत रात को ना मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो जाते हैं, और स्पेशली विंटर में ना मेरा स्किन बहुत ख़राब हो जाता है, इतना ड्राई हो जाता है मेरा स्किन। तो ये मैं लाई हूँ लिप्स में लगाने के लिए, और ये ना जब भी थोड़ा बहुत कट हो जाते हैं बच्चे के और किसी के भी बड़ों के, तो आपके पास कोई एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है देन बोरोप्लस है तो आप ये लगा सकते हो, ये बेस्ट रहता है बच्चों के घाव वगैरह हील करने के लिए, बेस्ट ये मेडिसिन है। और ये फेस के लिए है, हैंड के लिए है, बॉडी के लिए भी है, आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हो, कट में लगा सकते हो, ड्राई जगह में भी अप्लाई कर सकते हो, फेस में अप्लाई कर सकते हो, बहुत बेस्ट ये है, सबसे बेस्ट क्रीम। ये कोलगेट का पेस्ट, बच्चों का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही मिलता है और कोई फ्लेवर ही नहीं है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, तो इसको यशु को स्ट्रॉबेरी करता रहता है, तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मैं ले आया हूँ। ये सैनिटरी पैड आता आशीर्वाद का पॉट लाई हूँ मैं दो, क्योंकि बाहर ना ये पॉट मिलता है 80 रुपीस, वन पॉट इज 80 रुपीस बाहर, और यहाँ पे डीमार्ट में ना 69 था, 69। तो मैं दो ले आई, थोड़ा लगाएंगे प्लांट्स, वाटर कलेक्ट होते हैं तो इसके लिए प्लेट लाई हूँ, ये भी 15, बाहर तो 20 रुपीस लेते हैं वन प्लेट, तो मुझे सस्ता में मिल गया मैं ले आई। ये थोड़ा चॉकलेट ये उसको, तो मैं एक बाइट ले लेती हूँ, आप लोग ले लीजिए एक बाइट। तो हो गया मेरा ग्रॉसरी शॉपिंग, हमारा ग्रॉसरी शॉपिंग हो गया, अभी शाम को क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन यहीं पर मैं ये ब्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। Bye.